जो स्टैंड बाई है, मगर दोनों रनिंग में है और मास्टर कंट्रोलर जो कि डेटा कलेक्ट कर रहा है और इसी की आउटपुट डीसीएस पे जाती है। अगर ये कंट्रोलर फेल हो जाता है तो दूसरा कंट्रोलर जो कि स्लीप है हमारा, जो कि स्टैंड बाई है, वो लाइव हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा और उसी की आउटपुट से हमारा सिस्टम वर्किंग करेगा। ये देखें कि इनके टैग भी इसी तरह DQ62 और DQ68 रखा गया है। अभी हमारा ये देखें कंट्रोलर रनिंग में है और इस पर भी रनिंग है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे जो कि हमारा इससे जो अपोजिट है, इसमें मास्टर पे इंडिकेशन आ रही है और इस पर मास्टर पे नहीं आ रही, मगर जबकि इस पर पावर आ रहा है और मास्टर की इंडिकेशन ऑफ है, स्टॉप है, कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग है और फेल है। फेल ये तब होता है जब इस पर कोई कार्बन आ जाए या कोई हमारा इसकी जो कार्ड लगे हुए हैं AI DI उस पर अगर कोई कस्टा आ जाता है और इसकी डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं होती तो ये कंट्रोलर हमारा फेल हो जाता है। तो इसकी हम अक्सर क्लीनिंग करते हैं ताकि इसकी डेटा जो है वो सही ट्रांसफर हो, क्लीनिंग के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जब आप ये इसको अगर हम डिस्मेंटल करेंगे तो ये देखिए इससे जो बुक है इन बुक को हम रिप्लेस करते हैं और उनकी प्रोसेस की और उसके बाद हम लैब से आउट करते हैं तो ये कंट्रोलर बाहर आ जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और ये AI DI BO और AO कार्ड है जो कि मैंने पहले बताया था। AI इनपुट, AO इनाला आउटपुट, DI डिजिटल इनपुट और BO डिजिटल आउटपुट। जो फिर से आ रही होती है वो इनपुट होती है, जो यहाँ से आउटपुट जा रही होती है वो आउटपुट होती है। तो इसी तरह मैंने आपको बताना था कि कंट्रोलर इसी तरह की पावर सप्लाई स्टेट बैंक में बहुत एक्टिव रहती है। एक अगर पावर सप्लाई फेल होती है तो दूसरी पावर सप्लाई एक्टिव हो जाती है। इसी तरह दोनों एक्टिव हैं, अगर कोई भी एक फेल हो गई तो दूसरी पावर सप्लाई वर्किंग में आ जाएगी। तो मकसद था